अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उस लास्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, और हमने डिस्कस किया था किसको, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी को, और ये देखा था स्टूडेंट के एक्स कंपोनेंट चेंज होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, वाई कंपोनेंट चेंज नहीं होता। इसी बेस पर हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। अगर हम ये कहें लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड एम बी द मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल या मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो n है, लेकिन हमने सिंपलिसिटी के लिए एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया है, मतलब हम जो अपना वर्क करेंगे वो सिंगल मॉलिक्यूल पर करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स किस पर, ऑल गैस के ऊपर, ठीक। और एक गैस के मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है, तो मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मॉलिक्यूल का होगा एम वी एक्स, ये हमने पढ़ा मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, ठीक, ये कोलिजन से पहले। फाइनल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, एम माइनस वी एक्स। हो सकता है माइनस को सोच रहे हो क्यों लगाया, तो एग्जैक्टली माइनस अगर आपके माइंड में आया तो ठीक, नहीं आया तो माइनस शो कर रहा है इसकी वी एक्स की डायरेक्शन को, मतलब पहले थी डायरेक्शन राइट, अब कहाँ हो गई लेफ्ट, क्योंकि डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज हुई, तो किस, कौन सा साइन शो करेगा उसको, नेगेटिव साइन, ठीक। अब हम निकाल सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, अगर पॉजिटिव चेंज चाहिए आपको तो आप इनिशियल वाले में से फाइनल को माइनस कर दें, और अगर आपको नेगेटिव चेंज चाहिए तो फाइनल में से इनिशियल को कर दें। तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो हम इनिशियल वाले मोमेंटम में से फाइनल वाला मोमेंटम माइनस करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा, माइनस माइनस प्लस एम वी एक्स, आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम हैं, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी 2mvx। तो आपने मालूम करा चेंज ऑफ मोमेंटम, या आप बोल सकते हैं आप ये चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये pf माइनस pi या डेल्टा p मालूम कर चुके हैं, तो डेल्टा p हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस डेल्टा p की वैल्यू को हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, लेकिन अगर सिर्फ डेल्टा पी की वैल्यू पुट करेंगे तो अभी टी मालूम नहीं हुआ, तो हम पहले टी टाइम ऑफ ट्रिप मालूम कर लेते हैं। कैसे, अब इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम इस डायग्राम को क्या कर देंगे, रब कर देंगे। तो स्टूडेंट अगर टाइम की बात करें, ठीक है, तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, ये टाइम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल का फ्रॉम फेस ए टू फेस बी, जब वो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगा, मतलब पहले वो फेस ए से जाएगा फेस बी तक कंटेनर की, ठीक, फिर स्ट्राइक करके दोबारा कहाँ आएगा, फेस ए पर, तो ये कहलाएगी इसकी वन ट्रिप। तो हम इसकी वन ट्रिप का टाइम मालूम करते हैं या वन साइकिल का टाइम मालूम करते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी नो दैट एस इक्वल होता है वी टी, और अगर मुझे टी कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा एस ओवर वी। एस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं डिस्टेंस कितना कवर हुआ, अगर मैं कंटेनर रफली ड्रॉ करूं तो कंटेनर की लेंथ थी एल, जब मॉलिक्यूल फेस ए से चला बी पर पहुंचा
तो कितनी डिस्टेंस कवर करा उसने, लेंथ ए के इक्वल, एल के इक्वल, और जब बाउंस बैक होके बी टू ए आएगा तो दोबारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लेंथ एल, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू एल हो जाएगा। और वेलोसिटी जो हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, वी एक्स से। तो इस तरह आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम भी आ गया और टाइम की वैल्यू भी आ गई। अब आप इस काबिल हो गए कि आप क्या मालूम कर सकते हैं, फोर्स। नाउ वी नो दैट एफ पी इक्वल होता है, एफ इक्वल होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, या आप जस्ट टी भी लिख सकते हैं जो आपने सिंबल यूज की है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपने कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स क्या, डेल्टा पी, ठीक। तो डेल्टा पी की वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा पी क्या था, ये रहा 2mvx, और टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2vl ओवर vx। अब कुछ स्टूडेंट्स को इसको फ्लिप करने में या डिनोमिनेटर के अंदर, नोमिनेटर तो सही है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ गई, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो बड़ा आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप नोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए जैसे है, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लाएंगे तो इसको इन्वर्ट करेंगे या फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे था 2l ओवर vx, ऊपर आके होगा vx ओवर 2l, मतलब ये फ्रैक्शन नीचे से जब ऊपर आएगी तो पलट जाएगी, ठीक। ये आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली जो फोर्स का फॉर्मूला बना वो एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल, ठीक, एम अपनी जगह पर, वी एक्स, वी एक्स मल्टीप्लाई होके वी एक्स स्क्वायर डिवाइड में एल। ये फोर्स कैलकुलेट की स्टूडेंट आपने, ठीक, कितने मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की। अब अगर आप गौर करें इक्वेशन वन पर और इस फोर्स को और एरिया को इक्वेशन वन में पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आएगा। तो हम देखते हैं क्या प्रेशर कुछ इस तरह का आ रहा है, अगर आ रहा है तो डेरिवेशन कंप्लीट, नहीं आ रहा तो मज़ीद कैलकुलेशन और मॉडिफिकेशंस की तरफ चलेंगे। तो आप सेंटेंस लिखिए क्या, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हम वैल्यूज को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन वन थी हमारे पास, p इज इक्वल्स टू f, न्यूमिनेटर में f क्या कैलकुलेट करा, एम वी एक्स स्क्वायर ओवर l, तो ये हो गया एम वी एक्स स्क्वायर ओवर l, और डिवाइड में था a, तो इसका जो एरिया हमने निकाला था वो कितना था, l मल्टीप्लाई बाय l, लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस a इक्वल है l मल्टीप्लाई बाय l, तो एरिया की जगह आएगा l इंटू l। फिर दोबारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, कुछ ऐसा ही केस है जैसे यहाँ था, बिल्कुल ऐसा केस है ये, ठीक, जैसे हमने फ्लिप करा था, लेकिन मसला ये यहाँ पर न्यूमिरेटर में फ्रैक्शन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में थी, तो फिर घबराने की बात नहीं है, वी एक्स स्क्वायर ओवर एल, न्यूमिरेटर वाली फ्रैक्शन ऐसे ही लिखें। क्या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, नहीं नहीं है तो बना लें एल मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय वन, अगर न्यूमिरेटर में कुछ नहीं होता तो वन होता है, इसको लाके ऊपर फ्लिप करें, पलट दें, तो ये वन ऊपर लिखा जाएगा और एल इन टू एल नीचे लिखा जाएगा, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं चल रहा हूँ, मतलब लेफ्ट वैल्यू के साथ इक्वल, फिर ठीक है सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन को के लाइन को मैं यूज़ करता हूँ, फिर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, इस तरह नहीं करिएगा, बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। पी कहीं जा रहा है, वी कहीं जा रहा है, एम कहीं जा रहा है और एल कहीं जा रहा है, ठीक, तो ये स्टेप्स को डिस्टर्ब करता है। आप स्टूडेंट एक दो बार इसको करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह ये। मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, न्यूमिरेटर में एम वी एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एल इन टू एल इन टू एल,
तो बेसिक अलजबरा से जानते हैं हम, एल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक। यहां पर आके सिंप्लीफाइड फॉर्म रुक गई। चेक करते हैं क्या डेरिवेशन हो गई, तो दिख रहा है नहीं हुई। प्रेशर वैसे ही है, ठीक। राइट साइड को देखें तो एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल क्यूब, यहां पर 1/3 रो वी एक्स स्क्वायर बार है। क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई स्टूडेंट, ये जो प्रेशर है ये गैस का प्रेशर है, और ये जो प्रेशर अभी हमने कैलकुलेट करा ये प्रेशर है फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, मतलब ये पूरी गैस का प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है टू द एन मॉलिक्यूल्स या गैस के प्रेशर में। अब क्या दोबारा काम, अगर ये एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है तो दूसरे का भी ऐसे करें कैलकुलेट, फिर तीसरे का, चौथे का, फिर एन का, तो जवाब ये नहीं। इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे फॉर एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो हम देखते हैं इसमें क्या चीज चेंज होंगी, ठीक। अगर आप गौर करें तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको जो नजर आ रहा है वो एक टर्म तो नजर आ रही है m, और m है मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर सपोज करें कंटेनर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है तो फिर हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होंगे। तो अगर पहला मॉलिक्यूल होगा O2, दूसरा भी क्या होगा O2, तीसरा भी O2, तो सबके मास क्या होंगे सेम। मतलब अगर गैस एक ही है, एक जैसी है, आइडेंटिकल है, तो मॉलिक्यूल का मास m भी सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। L लेंथ या विड्थ या हाइट, क्या एक मॉलिक्यूल के लिए अलग लेंथ होगी, दूसरे के लिए अलग होगी? तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट के ये अलग नहीं होगी, जो सारी गैस भरी हुई है सबके लिए कंटेनर की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दोनों वैल्यू कोई भी मॉलिक्यूल हो, पहला, दूसरा, तीसरा, या एन मॉलिक्यूल हो लास्ट वाला, ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, कांस्टेंट। अब आ जाए वी एक्स स्क्वायर पर, क्या वेलोसिटी हर मॉलिक्यूल की एक जैसी होती है? तो जवाब ये अकॉर्डिंग टू केएमटी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कंटेनर की किस साइड पर मौजूद है, ठीक। तो वेलोसिटी डिफर कर सकती है, मतलब कि अगर मॉलिक्यूल पहला है तो फिर मैं बोल दूंगा वेलोसिटी है v1x² फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल, अगर दूसरा है तो v2x², अगर तीसरा है तो v3x² और अगर लास्ट वाला है तो vnx², क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं, n का नंबर हमें पता नहीं है, ये 1000 हो, 10,000 हो, लैक्स में हो, पता नहीं जितने मॉलिक्यूल होंगे वो हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूं, लेट v1x v2x v3x टू vnx आर द वेलोसिटीज ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, देन mv1x² ओवर l, mv2x² ओवर l, mv3x² ओवर l, टू डॉट डॉट mvnx² ओवर l आर द प्रेशर ऑफ ऑल n मॉलिक्यूल्स, ठीक। अगर आप फॉर्मूले में vx की जगह v1x पुट करेंगे, vx की जगह 2 पुट करेंगे, 3, 4 और अप टू n, तो ये प्रेशर कहलाएगा फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर सेकेंड, फॉर थर्ड एंड फॉर n मॉलिक्यूल। ये सारे मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल प्रेशर है। अगर गैस का प्रेशर मालूम करना हो तो बहुत आसान सी बात, अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट मॉलिक्यूल का प्रेशर है तो क्या किया जाए, टोटल के लिए, पूरी गैस के लिए, इन सबको सम कर लिया जाए। तो सम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। सम कैसे करेंगे, फॉर टोटल प्रेशर ऑफ द गैस टोटल
प्रेशर ऑफ द गैस P इक्वल होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, ठीक। और ये लिखे हुए हैं, ये है P1, ये है P2, P3 अप टू Pn। तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, पहली वैल्यू है m v1 x स्क्वायर ओवर l क्यूब प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर ओवर एल क्यूब प्लस एम वी थ्री एक्स स्क्वायर ओवर एल क्यूब प्लस अप टू एम वी एन एक्स स्क्वायर ओवर एल क्यूब, ठीक। फिर स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पर आके डेरिवेशन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अगर आप गौर करें राइट हैंड साइड पर तो आपको बहुत कुछ कॉमन दिखेगा, जैसे न्यूमिरेटर में आपको m कॉमन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, एल क्यूब कॉमन दिख रहा है। तो आप इसको कॉमन लीजिए, न्यूमिरेटर से m, डिनोमिनेटर से l, तो ये हो जाएगा v1 x स्क्वायर m l क्यूब, ठीक है, आउटसाइड आ गया एज अ कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर प्लस अप टू vn x स्क्वायर, ठीक। फिर दोबारा यहां पर रोक देता हूं, और रोकने के बाद अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ठीक, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये ब्रैकेट में अब आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट आंसर करें जो करते हैं कि सर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का सम है, ये पहली वेलोसिटी, ये दूसरे मॉलिक्यूल की, तीसरी, यहाँ फोर फाइव सिक्स कंटिन्यू होगा और एन तक जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ द वेलोसिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कंप्लीट बात नहीं है ये। अगर आप गौर करें तो इन वेलोसिटी के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। तो ये सिर्फ सम ऑफ द वेलोसिटी नहीं है, ये स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का सम है। आप हर वेलोसिटी को गौर करें, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, फिर क्या हो रही है, सम हो रही है। तो ये सम तो है लेकिन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज का। यहाँ पर हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे या एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेप पर आप याद रखिएगा, मैं स्टेरिक बना रहा हूँ, ठीक है। एक नया काम करते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एन ऑन बोथ साइड्स। ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बोथ साइड नहीं, ऑन राइट हैंड साइड कीजिए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने चेंज नहीं करना। एन मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो पी आ जाएगा एन एम, मल्टीप्लाई मैंने यहां करवाया एन, और डिवाइड में करवा दूंगा इसको ब्रैकेट में, और कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एन एन कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं स्टूडेंट इक्वेशन दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि अभी भी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कुछ ये है, P इक्वल टू वन ओवर थ्री रॉ वी स्क्वायर बार, और ये अभी तक जनरेट नहीं हुई। मैंने पहले भी कहा था कि ये डेरिवेशन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेरिवेशन ऑफ बुक में शामिल है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्टेप्स और करेंगे और यहीं से अपने लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।